नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे PSI के बारे में। जो हम लोग एसी में या फिर फ्रिज में हम लोग जो भी गैस चार्ज करते हैं या फिर प्रेशर डाल के लीकेज पता करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? इतना PSI मतलब 100 PSI, 250 PSI, 200 PSI, बैक प्रेशर 60 से 70 PSI, एक्सटेंडिंग प्रेशर 150 PSI, ये सब बोलते हैं। फिर इसी के बारे में समझेंगे हम लोग PSI क्या होता है। अपन लोग PSI यूज करते हैं नॉर्मली लोग वजन के लिए क्या यूज करते हैं? केजी, ग्राम, टन, कुंटल, पाउंड, है कि नहीं? ये करते हैं। क्या हम लोग यही समझेंगे PSI होता क्या, PSI हम लोग क्यों बोलते हैं, है कि नहीं? PSI के बारे में प्रॉपर हम लोग समझेंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बस ओनली 5 मिनट में वीडियो कंप्लीट होने वाला, बस 5 मिनट रहेंगे, उसके बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इससे संबंधित। अब समझिए जी PSI के बारे, PSI होता क्या चीज, इसका फुल फॉर्म होता पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है? यह तो समझ में आ रहा है आपको, क्या चीज था? PSI। तो PSI क्या था? पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब इसका मतलब समझिए, पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब पाउंड क्या है? पाउंड मेरा एक वजन होता है, वजन में अपने हम लोग क्या करते हैं? केजी यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, उसी तरह जिसे अलग अलग देश में अलग अलग चीज यूज किया जाता है, उसी तरह वजन मापने के लिए एक इकाई मेरा क्या है? जैसे वजन मापने के लिए हम लोग केजी यूज करते हैं, केजी मेरा क्या है? एक यूनिट है। उसी तरह मेरा PSI क्या है? प्रेशर मापने का एक मेरा यूनिट है, यहाँ पे पाउंड, यहाँ क्या लिखते हैं? 1 पाउंड, ठीक है? 1 पाउंड, 1 पाउंड बराबर क्या होता है? 1 पाउंड बराबर जो होता है 453 ग्राम, जी हाँ, ग्राम लिखे, ठीक है? 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम, ये चीज था वजन के लिए। जैसे हम लोग 1 केजी, 1 केजी में क्या 1000 ग्राम, पता है ना? अब PSI समझिए, तो PSI क्या? पाउंड पर स्क्वायर इंच, 1 पाउंड। अब ये इसको क्यों बताते हैं, उस चीज बता रहे हैं आपको। PSI क्या था? तो 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम, पर मतलब क्या हो गया? एक, और स्क्वायर इंच, स्क्वायर मतलब डबल, ठीक है ना? स्क्वायर मतलब डबल, डबल क्या? इंच, ठीक है? अब 1 स्क्वायर इंच पर 1 पाउंड, ठीक है? अब उससे पहले समझिए, एक डायग्राम के जरिए आपको बता रहे, मतलब एक ग्राफ के जरिए। तो ये मान लीजिए उसके सामने का भुजा क्या चीज सेम टू सेम होना चाहिए, बना दिए। अब फिर इधर का ये भी सेम है, और फिर इधर का ये भी सेम है। अब मान लीजिए देखिए, थोड़ा यहाँ पर बड़ा बन रहा, 1 इंच नॉर्मली होता कितना? जैसे ये जितना है आपको समझिए 1 इंच के, जैसे ये रह गया इतना बड़ा, 1 इंच होता। अब मान लीजिए कि मेरा 1 इंच का, मान लीजिए ये मेरा क्या है? 1 इंच है, और ये सामने वाला क्या हो जाएगा? सामने वाला भी 1 इंच, इसके बराबर सामने वाला भी, ये भी 1 इंच। तो ये जब फिर ये वाला भी 1 इंच, सामने वाला भी, ये भी 1 इंच, ये क्या हो गया? 1 स्क्वायर इंच। क्या हो गया? 1 स्क्वायर इंच, एक स्क्वायर इंच, एक एक है ना? फिर सामने वाला भी एक, और इधर के सामने वाला भी एक, एक स्क्वायर इंच हो गया यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे? 1 स्क्वायर इंच। जब हम लोग यहाँ समझिए, पाउंड पर स्क्वायर इंच, जब 1 स्क्वायर इंच की जगह पर जब आपको पहला जाएगा PSI क्या होता? PSI मेरा क्या है? प्रेशर मापने का एक यूनिट है, प्रेशर मापने का एक यूनिट है। किसका? प्रेशर मापने का एक यूनिट है, जिसे बोले केजी। मेरा वजन मापने का एक यूनिट है, जिसे डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? टेम्परेचर मापने का एक यूनिट है। उसी तरह PSI वजन, ये प्रेशर मापने का एक यूनिट है। अब यहाँ पे क्या है? 1 स्क्वायर इंच की जगह है, जब 1 स्क्वायर इंच की जगह पे 1 पाउंड का वजन, 1 पाउंड कितना मतलब? 1 पाउंड लिख दे रहे, ठीक है? जब 1 स्क्वायर इंच की जगह पे 1 पाउंड का वजन रखते हैं, तो उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो हमारा क्या कहलाता? 1 PSI। 1 स्क्वायर इंच की जगह पे जब 1 पाउंड का वजन रखते हैं, मान लीजिए एक मेरे 1 स्क्वायर इंच की जगह है, और उस पर मेरा ये 1 पाउंड का वजन है, उस पर रख दिया, और उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा? 1 PSI। अब समझ आ गया 1 PSI। आपको बोला 60 PSI, तो 60 PSI बोलते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 60 PSI बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मतलब वहां 25 से 30 kg का वजन का फोर्स लग रहा, 25 से 30 kg का वजन का फोर्स लग रहा, वो चीज 60 70 PSI हो जाता है कि नहीं? ये चीज था PSI। PSI क्या है? आपको दो चीज यहाँ पर बोलना है। PSI मेरा एक प्रेशर मापने का इकाई है, जिसका हम लोग प्रेशर मापने यूज करते हैं। प्रेशर यहाँ क्या चीज हो सकता है? प्रेशर।
अलग अलग जगह प्रेशर में क्या चीज, जैसे कि हो गया ये जैसे पानी का प्रेशर हो गया, अलग अलग गैसों का प्रेशर हो गया। हम लोग जब ऐसे फ्रिज में यूज करते हैं गैस का प्रेशर बैक प्रेशर चेक करते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर हो गया, हेड प्रेशर हो गया, प्रेशर डाल लीकेज पता करते हैं, वैक्यूम करते हैं, इस समय हम लोग PSI यूज करते हैं। प्रेशर मेरा क्या है, प्रेशर मापने का इकाई है PSI, इसको याद कर लेना, अभी याद करवा देंगे आपको। और उसके बाद क्या है, एक स्क्वायर इंच की जगह पे जब हम लोग 1 पाउंड का वजन रखते हैं और उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है वही मेरा 1 PSI कहलाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।